बिस्मिल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो ज़रूरी हैं आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं या मेरे पास यूएसबी से ले लें, जो आपके रिसर्च के लिए जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं आगे थीसिस राइटिंग के लिए या फिर जो आपके कंपटीशन के लिए जो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर हैं उसको वन बाई वन हम लोग डिस्कस करते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बता दूंगा, जो बाकी है उसके बाद बता दूंगा। अब ये फोल्डर जो आपको मिलेगा इसके अंदर सारी चीज़ें जो आपको सेमेस्टर में रिक्वायर होंगी रिसर्च में सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, चाहे वो थीसिस सबमिशन का परफॉर्मा है, डीएमसी के क्लियरेंस का परफॉर्मा है, थीसिस सबमिट करने का परफॉर्मा है, थीसिस का जो फॉर्मेट है या फिर उसकी जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स के स्टूडेंट है उनके लिए जो फ्लूइड की बुक्स हैं सारी इसके अंदर अवेलेबल हैं। ये फोल्डर मैं सीआरजीआर को दे दूंगा, उसे आप लोगों ने कॉपी करवा लेना है। तो उसमें वन बाय वन हम लोग सॉफ्टवेयर को डिस्कस कर लेते हैं, उसको क्या चीज़ हमने इंस्टॉल करनी है या नहीं करनी। सबसे फर्स्ट है आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, विनरार या विनजिप। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ज़रूरी है, जिन सिस्टम में नहीं है कंप्यूटर्स में वो लोग इंस्टॉल कर लें। तो जिन लोगों ने अभी विंडो सिस्टम लेना है या विंडोज़ करवानी है तो वो लोग सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो विंडो 10 या उससे नेक्स्ट विंडो 10 उस पर करवाएं। विंडो 8 ज़्यादा सूट नहीं करती सिस्टम्स पे, उसमें ज़्यादा सारे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं इस विंडो में, तो आप लोगों ने विंडो 7 या फिर विंडो 10 करवानी है, विंडो 8 नहीं करवानी है जिन लोगों ने अभी विंडोज करवानी। तो जो सॉफ्टवेयर हैं उनको चलाने के लिए सबसे पहले एक विनजिप या विनरार का सॉफ्टवेयर जो इसके अंदर ऑलरेडी है उसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए ये वैसे ही आपको शो कर देगा। तो इसके बाद विनरार के बाद आप लोगों ने जो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाते हैं, सबसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर है मैपल का। ये जो सुपरवाइजर कहेंगे जो मैपल सॉफ्टवेयर हम लोगों ने को रिक्वायर है तो वही मैपल सॉफ्टवेयर इसके अंदर ऑलरेडी है, इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। ये एंड नोट है, ये बिब्लियोग्राफी के लिए यूज़ होता है, इसको भी आप लोगों की चॉइस है आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है या नहीं करना या इंस्टॉल करना है या नहीं करना। जो कंपल्सरी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसके बाद मैथ कैड है, इस पर मैं इस पर प्रीवियस ईयर तक इस पर काम करते रहे थे, अभी हम लोग इस पर काम नहीं कर रहे तो इसको अभी हम लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास है मिकटेक्स, इसको इंस्टॉल करना। अगर तो आप लोगों के पास विंडो 10 है तो आप ये वाला वर्जन करेंगे जो आपके सामने बेसिक मिकटेक्स 20.11 है 64 बिट। आपने विंडो 64 बिट ही करनी है, 32 बिट विंडो आप लोगों ने नहीं करनी। 32 बिट आप बात बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपके साथ इशू करेगी, तो आप लोग विंडोज जो है वो अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए तो आप 64 बिट विंडो आप सिस्टम में इंस्टॉल करें। तो बेसिक मिकटेक्स के लिए आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, आपका जो एग्रीमेंट है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे कि किस फोल्डर में आपने इसको कॉपी करना है, नेक्स्ट करेंगे ये यहाँ पे लोकेशन आएगी किस लोकेशन पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर तो आपके पास सी ड्राइव के अंदर इनफ स्पेस है तो आप इसी में डाउनलोड इसी में इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज आप इसका जो पाथ है यहाँ ब्राउज करके इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास सी में स्पेस नहीं है तो आप इसको जो डी ड्राइव है या ई ड्राइव उसके अंदर किसी में भी जैसे डी है यहाँ प्रेस कर देंगे तो ये उसके अंदर हो जाएगी। आप इसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे तो कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, इसको हमें एम्प्टी करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो अभी हम इसको बस ये बता रहा हूँ किस किस तरह से इसको होना है इंस्टॉल। नेक्स्ट इंक स्पेस है, ये भी हमारे लिए जरूरी है, इसमें आप लोग ड्राइंग्स जो इमेजेस बनाते हैं वो चीज़ें बनेंगी, तो ये सॉफ्टवेयर भी जो है इसको आप इंक स्पेस को इंस्टॉल कर लेंगे। सारे इंस्टॉलेशन का मेथड एक ही है, आपने सबसे पहले जो भी है ये आपने अलाउ करना है कि ये सॉफ्टवेयर है ये वेल नोन पब्लिशर से है, कोई अननोन तो नहीं है, ये वायरस तो नहीं है। आपने फर्स्ट इसको बताना है कि ये यस ये जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें ये इसका जो पब्लिशर है वेल नोन है, ये ठीक है, ये वायरस नहीं है, यस करेंगे। इसके बाद ये मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको आपने अनइंस्टॉल करना है, तो मैं कहूँगा इसको नहीं अनइंस्टॉल नहीं करना, तो आप ये इसको स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट इसका जो एग्रीमेंट है यहाँ पर टिक का साइन हो तो टिक का साइन करके एग्री करना है, डिसएग्री करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस है ये सारी, इसको आप एग्री करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अब इसके बाद आ जाएगी
कि आपने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, इसके ऊपर आ रहा है। तो सिस्टम जो डिफॉल्ट चीज़ें उसको आप रहने दें। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि इसका डेस्कटॉप पे आइकन बनाना है कि बनाना, उसको टिक कर दें अगर आप डेस्कटॉप पे इसका आइकन बनाना चाह रहे हैं। इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे अगेन पाथ है, लेट्स सपोज मेरे पास जो है सी के अंदर 4.6 GB स्पेस है और इसके लिए 492 MB स्पेस यानी 0.5 GB स्पेस आई है, तो ये सी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। मगर आप कोशिश करें आपके पास जो सी ड्राइव है उसके अंदर एटलीस्ट 7 to 8 GB स्पेस एक्स्ट्रा हो। तो इसके अंदर सी ड्राइव के अंदर या डेस्कटॉप के ऊपर आप कोई एक्स्ट्रा चीजें ना रखें। इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। इसके बाद ये डायरेक्टरी बन जाएगी इन स्पेस की। क्रिएट शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल करेंगे तो उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैंने पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो उसको मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद जस्ट इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट करना है और उसके बाद एक कुछ आपके स्पेस को डाउनलोड इंस्टॉल होने में 5 to 10 मिनट लग सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम की स्पीड। अगर तो आपका सिस्टम फास्ट है, लेटेस्ट है, तो इस पर 5 मिनट लग जाएंगे। अगर आपका ओल्ड है तो 10 मिनट भी लग सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो 15 मिनट भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम की स्पीड पर। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसको मैं श्योर कर रहा हूँ कि ये पूछ रहा है कि आपने इसको स्पेस को सेटअप इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं। यस आई वांट टू कैंसिल। देन ये थीसिस फॉर्मेट है, इसमें जो सारी चीज़ें मैंने जिप करके रखी हैं, क्योंकि अगर जिप करके रखते हैं तो कोई चीज़ें इसमें ख़त्म नहीं होती। अगर आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसका राइट क्लिक करें, इसके बाद आ जाएगा एक्सट्रैक्ट टू, जो भी आपका जो फोल्डर का नेम है वही बारा दोबारा आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें दोबारा से आ जाएंगी। इसमें थीसिस का फॉर्मेट है, लेटेक्स के अंदर है। इसके अंदर जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है वो है मैट टाइप। ये जो मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस लिखने के लिए यूज होता है, या आपको इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैट टाइप हम क्लिक करेंगे। ये आ गया, इसके अंदर डिफरेंट फोल्डर्स हैं। ये मेन फाइल आपकी मैट टाइप विन एक्सी, ये फाइल है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये आपसे सारी चीज़ें दोबारा पूछेगा, जो पब्लिशर है ये वेल नोन है, आप ये वायरस तो नहीं, हम इसको अलाउ करेंगे यस। इसके बाद जो लाइसेंस है उसको आप एग्री करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसे नेक्स्ट आ जाता है इसकी की देने का। ये क्योंकि ये सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, एक फ्री वर्जन होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, और कुछ होते हैं पेड, जैसे डोनेशंस पे चलते हैं जो ओपन सोर्स है, जैसे एक फलाही इदारे होते हैं इस तरह से, जैसे निकटेक्स है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो मर्जी यूज कर ले। जैसे ओपन ऑफिस है, ये भी ओपन सोर्स ऑफिस है, कोई भी इसको फ्रीली यूज कर सकता है, जो उसका पब्लिशर है उसे कोई इशू नहीं है। इस तरह इंक स्पेस था वो भी ओपन सोर्स था, डोनेशन से चलता है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो लोग, जिस जो मर्जी सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल कर ले, फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट पे, डाउनलोड करें इसको, यूज करें, कोई की नहीं है, फ्रीली इसको अपडेट करें, लोग डोनेशन देते हैं उससे वो सारा अपना सेटअप चलाते हैं। जैसे गूगल क्रोम है, ये फ्रीली फ्री सॉफ्टवेयर है, हम फ्री चूज गूगल के प्रोडक्ट्स हम फ्री यूज करते हैं, पर कुछ चीज़ें जो प्रोडक्ट हैं गूगल्स की वो विद पेमेंट है, वो पेमेंट के साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जो मैट टाइप है, ये पेड सॉफ्टवेयर है, ये इसका जो जिसने भी बनाया है कंपनी ने, ये इसको फोक करती है डिफरेंट इसके रेट्स हैं डिफरेंट वर्जन्स के। तो ये हमारा सेटअप कम्प्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट है कि हमने इसकी की कहाँ से लगानी है। की यहाँ पे है, इसका यूजर नेम यहाँ पे, ईमेल और ये आईडी यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे जाके यहाँ लिखेंगे, अगर कोई भी चीज़ आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, आप यहाँ पे लिखें उसको मैथ टाइप, जैसे ये है, ये मैथ टाइप ओपन हो जाएगा। इंटर प्रोडक्ट की, अब यहाँ पे इसका जो नेम है, आप ये गेट इनटू पीसी ये इसके अंदर पुट कर देंगे, इसका यूजर नेम पुट कर देंगे। तो इट माइट बी पॉसिबल ये जो की लिखी हुई ये यूज नहीं, ये वर्क ना करे, तो इसके लिए फिर मैं अल्टरनेटिव जो पे आपको बता दूंगा। आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना, एग्री कर लेना और इसको एक्टिवेट कर, ये एक्सपायर है कि ये वर्क नहीं करेगी। तो इसका जो सेकेंड मैथड है वो क्रैक फाइल है, एक क्रैक फाइल है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है डेस्कटॉप के ऊपर। उससे पहले आप लोगों ने इस जो भी आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है
उसको ऑफ कर लेना। ये विंडोज सिक्योरिटी है, इसके अंदर मेरे ये जो है वायरस स्कैन, ये जो है विंडोज डिफेंडर है, ये ऑलरेडी मैंने कुछ ऑफ किया था, सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करना था। तो ये क्योंकि ये जब हम पैच लगाएंगे तो ये एंटीवायरस उसको रोक लेगा, तो आपने सारे एंटीवायरस या जो विंडो डिफेंडर्स है वो सारे ऑफ कर दें। तो इसके बाद ये जो चीज है इसको आप डेस्कटॉप पे कर लेंगे कॉपी। तो ये यहाँ पे मैप टाइप के नाम से, दोबारा से ये क्रैक फोल्डर इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, ये मैप टाइप क्या आ गया, ये क्रैक फोल्डर आ गया, ये पैच इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। इसके बाद सी के अंदर प्रोग्राम फाइल, मैप टाइप, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस द फाइल द डेस्टिनेशन, कंटिन्यू। और इसके बाद जो पैच है इसको हम लोग रन एड एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको यस करेंगे, इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। ये जो है हमारा जो मैट टाइप है उसकी की ऑटोमेटिकली इस पर लग जाएगी। तो ये मैट टाइप हमारा इसका क्रैक फाइल पैच लग गया इसको। अब इससे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो हम लोग करेंगे वो है विनएडिट। विनएडिट ये हमारा लैटेक्स में जो लोग लिख लेंगे, सुपरवाइजर कहेंगे जो आप लोगों ने जो किसी का लैटेक्स में लिखना है उसके लिए विनएडिट हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये विनएडिट का सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी क्रैक फाइल है और विनएडिट है। अब ये 32 बिट, इसमें दोनों वर्जन अवेलेबल है, 32 बिट वाला भी है और 64 बिट वाला भी। अगर आपके पास 32 बिट विंडो है तो आप ये वाला इंस्टॉल कर लें, 64 बिट है तो ये ऊपर वाला इंस्टॉल कर लेंगे। इसको क्लिक करेंगे, यस, ये सारा से प्रोसेस वही वाला आएगा। लाइसेंस एग्रीमेंट को आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट। एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट आपने एडमिन करनी है, पाथ देना है। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसको मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, इसको कैंसिल कर दूंगा। ये नेक्स्ट करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको भी क्रैक कैसे करना है, यहाँ पे पैच पड़ा हुआ है, इसका पैच को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। आप डेस्कटॉप पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, ये आपके पास विनएडिट की फाइल आ गई, यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आप इसको चले जाएंगे यहाँ पे प्रोग्राम फाइल विनएडिट। अगर आपको इसमें सॉफ्टवेयर नहीं मिलता तो आपने 86 में नहीं मिलता तो इस प्रोग्राम फाइल ऊपर वाले में चले जाना है। तो ये आप W प्रेस करेंगे तो ये विनएडिट टीम यहाँ पे आ गया, ये विनएडिट 10। यहाँ के अंदर आपने ये पेज पैच को कॉपी कर देना है, कंटिन्यू। और उसके बाद आपने इसको रन जो है पैच है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन कर देना, यस। इसके बाद पैच इट पैचेस का डन हो गया, ये सॉफ्टवेयर भी वर्किंग में आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, बाकी जो फॉर्मेट है थीसिस के वो तो आप लोग, इसके पास सुमित्रा PDF है, ये सॉफ्टवेयर जरूरी है जो मेकर जिन्होंने लैटेक्स करनी है, तो इस सॉफ्टवेयर को लाजमी आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। इसको यस करेंगे, इंस्टॉल सुमित्रा PDF। ये छोटा सॉफ्टवेयर है सुमित्रा PDF, ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो भी गया, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट स्टूडियो है।
अब टेक्स्ट स्टूडियो या विनएडिट आप लोगों की मर्जी है, जो आपके सुपरवाइजर कहेंगे वो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। विनएडिट भी लेटेस्ट लिखने के लिए यूज होता है और टेक्स्ट स्टूडियो भी। और दूसरा जो मिक टेक्स मैंने बताया ये बेसिक है, ये सबके लिए यूज होगा, चाहे आप विनएडिट को इंस्टॉल कर लिख रहे हैं या फिर टेक्स्ट स्टूडियो पे। जो मिक टेक्स है वो कंपल्सरी सॉफ्टवेयर है, वो लाजमी है आपने करना। इसके बाद मैथ टाइप है उसका अनदर वर्जन है, ये इसका 7.12 है, जो पहले मैंने आपको बताया था वो लेटेस्ट 7.4 था। इसके बाद मैथमेटिका है, जो सुपरवाइजर आपको कहेंगे मैथमेटिका इंस्टॉल करना है तो वो मैथमेटिका आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद ऑफिस 2021 का सेटअप पड़ा है तो ये आप लोगों ने अगर इंस्टॉल करना है तो ये आप इसके अंदर की भी इसकी पड़ी हुई है, इसका सेटअप करेंगे। इन सारे ऑप्शन उसी तरह से आएंगे, यस यस आपने जो चीज़ इंस्टॉल करनी है इसको लाइसेंस एग्रीमेंट को क्लिक करना है, जो पब्लिक इसके चीज़ें हैं जैसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेशंस हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो इंस्टॉल करना चाहें तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जहाँ पर इंस्टॉल नाउ आएगा ये कस्टमाइज आएगा, आप इंस्टॉल नाउ पुट करेंगे, उसके बाद इसका जो क्रैक है इस वाले में इसका ये बड़ी चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ से आपने इसको ओपन करना है। इसको आप लोगों ने रन कर देना जो भी सॉफ्टवेयर है, तो इसके बाद इसकी फिर की लग जाएगी इसके ऊपर। यस कर लेते हैं, इसके बाद यस कर दें। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप किस वर्जन को माइक्रोसॉफ्ट के को आप को क्रैक करना चाह रहे हैं, आप एक्टिवेट ऑफिस 2010 है इसको करेंगे, ये हमारे पास वर्जन है इसको ओके करेंगे तो ये यहाँ पे सारा आ जाएगा कि आपने क्या करना है, इसको रन करना की चाहिए जो भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंगली 1, 2, 3 आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे, उसको प्रेस करेंगे तो की जनरेट हो जाएगी, आप वहाँ पे पुट कर देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मैंने इसको भी यहाँ से की वहाँ पुट नहीं करूँगा और ना ही इंस्टॉलेशन को, सेटअप को हमने एग्जिट कर दिया। इसके बाद जो ओल्ड वर्जन जिनके पास मिक टेक्स के हैं, जैसे मिक टेक्स जिनके पास विंडोज 7 हैं, तो आप लोग मिक टेक्स का ओल्डर वर्जन जो आपने न्यू वर्जन दिया वो नहीं करना, उन्होंने ये वाला 2.9 करना जिनके पास विंडोज 7 है। तो आपके पास सबसे ऊपर ये अंडरस्कोर सेटअप वाली की इसको क्लिक डबल क्लिक करेंगे। ये मिक टेक्स काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉलेशन होने पर तकरीबन आपके 10 to 15 मिनट लग सकते हैं, इसको आपने थोड़ा सा वेट करना है। इसका भी सारी चीज़ें वैसे लाइसेंस एग्रीमेंट आपने एग्री करना है, सी ड्राइव के अंदर आपके पास कम से कम 2 GB स्पेस आपकी एम्प्टी होना चाहिए, 2 से 3 GB तो भी सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होगा। एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट, कंप्लीट, बेसिक कंप्लीट करेंगे, एनीवन हु यूज दिस कंप्यूटर नेक्स्ट करेंगे, पाथ आपने चूज करना वो पाथ बताएंगे, अगर सी के अंदर जगह है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको डी में या किसी और में कर देंगे। इसको भी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसको नेक्स्ट करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये मिक टेक्स है जो भी फ्री सॉफ्टवेयर है इसकी कोई की नहीं है, क्योंकि जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसकी की नहीं होगी, जो सॉफ्टवेयर परचेस करने पड़ते हैं उनकी की होती है। इसके बाद अडोब एक्रोबेट रीडर है, ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, ये नेट से डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं। इसको आप लोगों ने ये यस कर देना, ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। दरमियान में इंटरप्ट कर रहा हूँ, यस कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मेरे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद गोस्ट व्यूअर है, इसके अंदर 2 सॉफ्टवेयर आपके पास हैं, ये सॉफ्टवेयर यूज होता है जो EPS फाइल्स को व्यू करने के लिए, तो इसके अंदर 2 फाइल हैं, एक V46 और V40, ये दोनों ही आपने इंस्टॉल कर लिया। यस सेटअप इंस्टॉल, तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। इस तरह जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आपने इंस्टॉल, ये आपका सॉफ्टवेयर है, इसको भी नेक्स्ट 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 अनइंस्टॉल, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है, मुझसे इंस्टॉलेशन का कुछ करना है, इसको अनइंस्टॉल नहीं करूँगा, कैंसिल कर दिया मैंने, और ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर हमारे पास इंस्टॉल है। मेरे ख्याल आज के लिए सॉफ्टवेयर इतने ही काफ़ी है, बाकी फिर हम इससे जो नेक्स्ट वाली मीटिंग है उसके अंदर कर लेंगे।
आज आप लोग ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, बाकी हम बाद में डिस्कस करें।